स्वागत है ब्रेक के बाद। फर्स्ट इंडिया की स्पेशल कवरेज लगातार जारी है और अब हम दोनों लोकसभा सीट की बात करें माडलगढ़ विधानसभा सीट की, जिसके उपचुनाव गोपाल मालवीय के निर्दलीय मैदान में उतरने से रोचक और त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका है। पूर्व प्रधान को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिए जाने पर उन्होंने बागी होकर मैदान में ताल ठोक दी है। इससे कांग्रेस और बीजेपी के समीकरण तो बिगड़ ही सकते हैं। वहीं मालवीय से खास बातचीत की हमारे संवाददाता दिनेश टांगी ने। गोपाल जी, आप बताइए किस तरह आपका प्रचार जारी है, खूब आपकी जनता और मतदाता आपका स्वागत कर रहे हैं। प्रचार आप खुद देख रहे हैं, जो मंडलगढ़ की जनता चाहती है वो विधायक मुझे बनाना चाहती है। गांव के अंदर हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं, भीड़ उमड़ रही है और 36 ही कौम के नेता यहाँ के मतदाता ये चाहते हैं कि हमारा विधायक ईमानदार हो और लोगों के लिए समर्पित हो, किसानों के लिए समर्पित हो, गरीब लोगों के लिए समर्पित हो, व्यापारियों के लिए समर्पित हो। और जो युवा नजर आ रहे हैं, बेरोजगार युवाओं की जगह राजस्थान विधानसभा में अगर कोई मांग पहुंचाएगा तो ये गोपाल मालवीय पहुंचाएगा। इन लोगों को दिल में विश्वास है क्योंकि मेरी 20 साल की सेवा इन लोगों ने देखी हुई है। हम गांव में घूमे, सड़कों की हालत बेहद खराब है। आप कह रहे हैं कि सरकार ने 4 साल कुछ नहीं किया, तो कांग्रेस भी है उसी की राह पर है, वो भी विकास नहीं करा सकती। मैं तो आपको यही कहना चाहता हूँ कि वास्तव में 4 साल में यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं और लोग भटक रहे हैं सब जगह काम के लिए, कि पेंशनें लोगों की, काफी लोगों की पेंशनें बंद हो चुकी है और क्षेत्र के अंदर बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मुझे करने हैं। क्षेत्र की जनता मेरे पर विश्वास कर रही है और मैं चुनाव जीतने के बाद मेरे क्षेत्र की जनता की आवाज मैं राजस्थान की विधानसभा तक पहुंचाऊंगा। क्या आपने कुछ मुद्दे शॉर्टलिस्ट किए हैं, समस्याएं जो है उनका एक खाका तैयार किया है कि वास्तव में ये दूर होना चाहिए, क्या प्राथमिकता रहती है आप अगर? मेरी प्राथमिकता ये है, सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि किसान जो खून पसीना एक करके अपनी फसल पैदा करता है और उसकी फसल घर के अंदर आते आते जो हमेशा उसकी जो कीमत होती है वो आधी रह जाती है। आपने देखा होगा कि अभी मक्की की जो फसल है वो किसानों के घर पे आई और 7 रुपए किलो 8 रुपए किलो में मक्की बिकी। उड़द का भाव 25 रुपए 30 रुपए किलो हो गया, सोयाबीन का भाव आधे से कम रह गया। आप खुद बताइए वो किसान कैसे अपना गुजारा चलाएगा, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएगा, कैसे अपने बच्चों बच्चों की शादी करेगा। आप खुद बताइए, पूरे क्षेत्र के किसान इस बात से त्रस्त है और सरकार से सभी राजनीतिक दलों से भी नाराज है, इसलिए इन्होंने एक विकल्प ढूंढ लिया है। ये सब गोपाल मालवीय के साथ है, मैं किसानों की आवाज उठाऊंगा, चाहे राजस्थान की विधानसभा में उठाना पड़े, चाहे मुझे आंदोलन करना पड़े। अगर लाठी खानी पड़ेगी तो गोपाल मालवीय खाएगा, लेकिन मेरे किसानों का, मेरे गरीब लोगों का अहित नहीं होने दूंगा मैं। मानलगढ़ में पूरा जो कह सकते हैं माइनिंग एरिया आता है, तो इसकी वजह से कई दिक्कत है, सड़कें टूट जाती है, पानी पेयजल का सप्लाई नहीं होता। आप खनन कारोबारी भी रहे, लेबर की समस्याओं से भी अच्छी तरह परिचित है, वोटर से भी अच्छी परिचित है और पंचायती राज सिस्टम से भी जुड़े हैं, तो किस तरह आप देखते हैं वहाँ की समस्या? ऐसा है कि माइनिंग वालों की भी बहुत सारी समस्याएं हैं। हमारे यहाँ जो सैंडस्टोन है ये इतना विदेशों में जाता है और इसकी बहुत मांग है, लेकिन हमारे इस तरह की अड़चने आती है माइनिंग के अंदर कि माइनिंग जितने भी ठेकेदार है वो भी काफी परेशान है। कुछ लोग मुख्यमंत्री महोदय से मिले भी हैं, आश्वासन नहीं दिया, लेकिन 4 साल बीत गए। काफी चाहे माइनिंग क्षेत्र के लोग हो, माइनिंग ओनर हो, चाहे वहाँ के मजदूर हो, वहाँ पर काम 50% खाने बंद होने की कगार पे है। वहाँ के जितने भी वहाँ के मजदूर है सब दूसरी तरफ चले गए हैं, दूसरे क्षेत्र के अंदर चले गए हैं और हमारा जो प्रोडक्शन था सैंडस्टोन का, जो जितना माल बिकता था उससे आधे से भी कम माल बिकने लग गया और ये स्थिति हो गई कि वहाँ कोई खनन करना नहीं चाहता क्षेत्र के अंदर, ये स्थिति हो गई। तो गोपाल मालवीय को जो समर्थन मिल रहा है उससे काफी भेद वो जोश में है और उनका दावा है कि जो मानलगढ़ में समस्याएं काफी तादाद में, चाहे वो खनन से जुड़े कारोबारी हो या वहाँ काम करने वाले मजदूर या फिर किसान या फिर बेरोजगार, हर वर्ग जो है राज्य सरकार से त्रस्त है और कांग्रेस जो है वो भी कुछ नहीं कर सकती, वो भी जो है महज दिखाने के लिए दावा कर रही है। और उनका कहना है कि मैं जो है मानलगढ़ की जनता के लिए चुनाव जीत कर जाता हूँ तो विधानसभा में पुरजोर तरीके से उनकी जो समस्याएं उनको उठाऊंगा, उनको पूरी करने की कोशिश करूंगा। सिर्फ इतना ही नहीं, मानलगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर बिजौलिया पहुंचे पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने तीर्थ स्थल तिलस्वा महादेव के दर्शन कर एक जनसभा को संबोधित किया। अशोक गहलोत ने वर्तमान सरकार और मुख्यमंत्री पर सीधा हमला करते हुए कहा कि प्रदेश की सरकार पूरी तरह से निरंकुश है और 4 साल में सरकार ने कुछ भी काम नहीं करवाया, उल्टे कांग्रेस शासन की लोक कल्याणकारी योजनाओं को भी बंद कर दिया गया। गृह मंत्री कटारिया पर निशाना भी साधा गया और कहा
कि प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है। हत्या, लूट और बलात्कार की घटनाओं में इजाफा हुआ है। लोग अपने घरों में सुरक्षित नहीं है। बिजौलिया से हमारे साथ संवाददाता जगदीश सोनी जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। जगदीश, यहां पर वैसे ही मुकाबला बड़ा रोमांचक है और ऐसे में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुंच गए हैं इस चुनावी मैदान में, तो किस तरीके से उन्होंने प्रचार प्रसार किया और जनता का समर्थन फिलहाल किस तरफ नजर आ रहा है? जी, कल पूर्व सीएम अशोक गहलोत पहुंचे थे तिलेश्वर महादेव जी, उनको जगह जगह आम जनता ने अभूतपूर्व स्वागत भी किया है और उन्होंने तिलेश्वर में आम सभा को संबोधित करते हुए सरकार और सीएम वसुंधरा राजे पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि पूरा चार साल वसुंधरा राजे सरकार ने कोई काम नहीं किया है, सरकार की लोक कल्याणकारी योजना जो कांग्रेस के शासन में थी उनको भी बंद कर दिया है। यही नहीं, उन्होंने गृह मंत्री कटारिया पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि पूरी तरह से कानून व्यवस्था चौपट हो गई है, आम आदमी घरों तक में सुरक्षित नहीं है, अपराध की दर बढ़ रही है, हत्या, लूट, बलात्कार जैसी घटनाएं रोज घटित हो रही है प्रदेश में, ये बहुत चिंता का विषय है। यानी कि ये आरोप यहाँ पर लगातार लगाए जा रहे हैं दोनों ही पार्टियों की तरफ से, और जो निर्दलीय उम्मीदवार है गोपाल मालवीय वो भी लगातार वादे कर रहे हैं कि अगर मैं जीता हूं तो इस क्षेत्र में इतना विकास करवाऊंगा। लेकिन फिलहाल जनता क्या चाहती है, जनता का कहना क्या है? जी, मानगढ़ विधानसभा क्षेत्र जो है वर्तमान में सीधी टक्कर या कांग्रेस और बीजेपी के बीच होती नजर आ रही है, या निर्दलीय का ऐसा कोई विशेष भूमिका नहीं है। इसका उदाहरण है 2008, जिसमें पूर्व विधायक बद्र प्रसाद गुरु जी ने बीजेपी से बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़ा था जी। संघ केडर से और संघ लोबी से होने के बावजूद वो ब्राह्मण मतदाता की संख्या 30-35 हजार होने के बावजूद भी वो 14,500 वोटों से सिमट गए थे जी। यहाँ की जनता सिर्फ पार्टियों को पसंद करती है, निर्दलीयों को एक भी बार मौका नहीं दिया अब जो 15 चुनाव हुए हैं। यानी कि यहाँ की जनता बदलाव के मूड में नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश यहाँ पर तमाम जानकारी देने के लिए। इसी के साथ ही स्पेशल कवरेज में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन फर्स्ट इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।